हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो अभी तक के जो हम लोग बात ये चैप्टर में किए हैं वो किए हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का हिस्ट्री हम लोग देखे, कब स्टार्ट हुआ, कब पहला ट्रेन कब कहाँ से किस स्टेशन तक के चला, ये सब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे देखे। उसके बाद जोनल ग्रुपिंग देखे, इंडियन हिस्ट्री इंडियन रेलवे का जोनल ग्रुपिंग हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देखे लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ट्रैक्शन सिस्टम। सो लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग देखे मेट्रो ट्रेन के बारे में पढ़े, उसके बाद मोनो रेल के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद फिर मोनो रेल में भी हम लोग दो टाइप का पढ़े, एक स्ट्रेडल टाइप और दूसरा सस्पेंडेड टाइप, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और मोनो रेल, ये सब अभी हम लोग इतना पढ़े। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम पे आ गए थे। सो क्लासिफिकेशन में हम लोग बेसिकली दो टाइप का देखे थे। पहला क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, और दूसरा देखे थे नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग स्टीम इंजन के बारे में पढ़े थे, स्टीम इंजन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग जब नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को जब हम क्लासिफाई कर रहे थे या डिफाइन जब कर रहे थे, तो उस समय हम लोग दो डेफिनेशन में दो एग्जांपल लिए थे, एक स्टीम इंजन और दूसरा डायरेक्ट डीजल इंजन ड्राइव लिए थे, या फिर जिसे हम लोग बोलते थे डायरेक्ट आईसी इंजन के भी हम लोग उसे बोला करते थे, ठीक है। तो इतना हम लोग देख चुके थे। आज आप लोग टेम्पलेट देख करके ही एक अनुमान लगा लिए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में टेम्पलेट देखे होंगे उसी समय आप अनुमान लगा लिए होंगे। आज हमें सर पढ़ाने वाले हैं डीजल इंजन ड्राइव, या फिर जिसे हम लोग डायरेक्ट डीजल इंजन ड्राइव बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन ड्राइव भी हम लोग उसे बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डीजल इंजन ड्राइव का मतलब क्या है, कि ये जो इंजन होगा वो डीजल, जिसमें फ्यूल का यूज डीजल होगा, डीजल कंज्यूम करेगा और ये रन करेगा। सो यहां पे डेफिनेशन देखो, एज द नेम सजेस्ट इट यूजेस पावर ऑफ इंटरनल कंबसन इंजन विच इज ऑब्टेन्ड बाय रनिंग डीजल। इसमें जो पावर ऑब्टेन किया जाता है वो किससे होता है, पावर ऑब्टेन ये डीजल इंजन से डायरेक्ट पावर को ऑब्टेन किया जाता है। हम लोग ब्लॉक डायग्राम से इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो ब्लॉक डायग्राम को आप इमेज में भी देख रहे होंगे और बोर्ड पे भी बना हुआ है, तो दोनों जगह पे देख रहे होंगे आप, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारा कंट्रोल केबिन है जहां से हम लोग कंट्रोल करेंगे लोकोमोटिव्स को। ये हमारा डीजल इंजन है, डीजल इंजन से कपल्ड हमारा फ्लूइड कपलिंग हमारा कपल्ड है। फ्लूइड कपलिंग का मेन काम क्या है, डीजल इंजन का जो पावर है उसे ट्रांसफर करना व्हील में, ये एक तरह से मैकेनिज्म है जिससे हम लोग डीजल इंजन का जो पावर, रोटेशनल पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डीजल इंजन में जो पिस्टन में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसे ट्रांसफर करने का काम करता है फ्लूइड कपलिंग। सो ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग पावर है, इसे ट्रांसफर होता है पावर ट्रांसफर करने का, इसका मेन यूटिलाइज हम लोग करते हैं, ठीक है। सो इट यूजेस द डीजल एज फ्यूल, द कंबसन ऑफ द डीजल प्रोड्यूसेस गैस ड्यू टू द पिस्टन मूवमेंट इज ऑब्टेंड। सो इसका जो पावर जो प्रोड्यूस होता है वो डीजल को बर्न करने से होता है, पिस्टन जो डीजल इंजन है उसके पिस्टन के अंदर चैम्बर के अंदर बर्न होता है जिससे फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होता है और पिस्टन मूव होता है
और वही मूवमेंट हमें ऑब्टेंड होता है। इसका जो शाफ्ट है, डीजल इंजन का जो शाफ्ट है वो कपल्ड होता है किसके साथ में, फ्लूइड कपलिंग के साथ में कपल्ड होता है। अब ये जो हम लोग देखे कि पिस्टन में जो मूवमेंट होता है उसे फ्लूइड कपलिंग के थ्रू गियर बॉक्स में हम लोग, ये मैकेनिज्म फ्लूइड कपलिंग क्या है, एक मैकेनिज्म है जिससे हम लोग डीजल इंजन के मूवमेंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स से कनेक्टेड होता है हमारा कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, व्हील कनेक्टेड होता है जिससे पावर ट्रांसफर होता है, ये सब हम लोग देखे। तो अभी फ्लूइड कपलिंग क्या है इसके बारे में जरा सा देखे, फ्लूइड कपलिंग होता क्या है ये हम लोग देखे। सो ये क्या है, एक मैकेनिकल ट्रांसफर, मैकेनिकल पावर को ट्रांसफर ट्रांसमिटिंग मीडियम, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिटिंग मीडियम है, इससे मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। ये अल्टरनेटिव मैकेनिकल क्लच की तरह वर्क करता है, अल्टरनेटिव मैकेनिकल क्लच की तरह वर्क करता है। ये बना, ये अगर हम लोग बोले कि बना किस तरह होता है, तो ये कम से, ये सेल से बना होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बस सेल के बने होते हैं, सेल्स में हाइड्रोलिक ऑयल भरा होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड जिसे हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और हाइड्रोलिक फ्लूइड जहाँ पे फिलअप होता है वहाँ पे एक टरबाइन भी होता है, जैसे ही डीजल इंजन जब रोटेट होना स्टार्ट होता है तो टरबाइन से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे जो फ्लूइड कपलिंग में जो ये जो सेल्स बने होते हैं जहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल फिल्ड रहता है, वो टरबाइन रोटेट होता है और प्रेशर से गियर बॉक्स में पावर ट्रांसफर होता है, गियर बॉक्स से हमारा कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू व्हील्स, और व्हील्स फिर रोटेशन मोशन में काम करना शुरू करता है। ठीक है, यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत? तो अभी तक के हम लोग देखे डीजल इंजन के बारे में, हम लोग इंट्रोडक्शन देखे, उसका ब्लॉक डायग्राम को डिस्क्राइब किए, उसके बाद हम लोग देखेंगे डीजल इंजन ड्राइव जो है सेल्फ कंटेंट यूनिट होता है, ये जिस लोकोमोटिव्स पे होता है उसी लोकोमोटिव पे इसे इंस्टॉल किया जाता है, अलग से इसे कुछ ये करने का जरूरत नहीं होता, सेल्फ कंटेंट यहीं पे लोकोमोटिव्स पे ही होता है। जैसे अगर हम लोग इसका अगर बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ट्रक वगैरह जो होता है वो क्या सेल्फ माउंटेड होता है, डीजल इंजन उसी में लगा रहता है और उसी पे माउंटेड रहता है। सो अब इसे रन करने के लिए चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज है नहीं तो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्शन का जरूरत हमें पड़ता नहीं, सो देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्ट्रीफाइड रूट टू रन द डीजल लोकोमोटिव्स। डीजल लोकोमोटिव्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक का जरूरत नहीं। अब जैसा कि हम लोग पढ़े थे स्टीम इंजन में क्या देखे थे कि उसे हमें बार बार फ्रीक्वेंटली स्टॉप करना पड़ता था, कभी चूंकि वाटर वहां पे वेपोराइज होता था, स्टीम फॉर्म होता था और उस स्टीम का यूज होने के बाद वो एटमोसफेयर में हम उसे रिलीज कर देते थे, तो बार बार हमें वाटर लेने के लिए, वाटर कंटेन करने के लिए, या फिर कोल का जो एस जो प्रोड्यूस होता था उसे क्लीन करने के लिए हमें बार बार कुछ समय के बाद हमें रोकना पड़ता था, स्टॉप करना पड़ता था ट्रेन को। सो यहाँ पे वो इशू नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग स्टीम इंजन से कंपेयर करें तो स्टीम इंजन को हम लोग देखे थे कि उसे स्टार्ट करने के लिए अगर उसे हमें ऑपरेशन में लाना है, सर्विस में अगर लाना है, तो उसके लिए हमें 4-5 घंटा पहले से हमें प्रिपरेशन करना होता था, कोल बर्न करना होता था, फिर वाटर हीट होता था, फिर स्टीम फॉर्म होता था, फिर वो यूज में आता था, मीन्स ऑपरेशन में आता था। लेकिन ऐसा आईसी इंजन में वैसा नहीं है, हम लोग तुरंत इसे रन कर स्टार्ट करके फिर इसे हम लोग रन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सलरेशन और ब्रेकिंग जो है वो स्टीम इंजन के कंपैरिजन में फास्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पावर वर्सेस वेट का जो रेशियो है वो स्टीम इंजन से इसका ज्यादा है, ठीक है। सो ये सब स्टीम इंजन के ऊपर इसका एडवांटेज है, स्टीम इंजन से अगर हम लोग आईसी इंजन को अगर कंपेयर करें तो ये सब एडवांटेज है। अब हम लोग बात करेंगे आईसी इंजन का एडवांटेज का, कि आईसी इंजन का एडवांटेज क्या है, उसके बाद फिर हम लोग
डिसएडवांटेज भी देखेंगे कि आईसी इंजन का डिसएडवांटेज क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह से पहला एडवांटेज क्या है कि सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होता है, जो लोकोमोटिव्स में हमें यूज करना होता है उसी लोकोमोटिव्स में ये यूनिट इंस्टॉल्ड होता है, इसका इनिशियल कॉस्ट भी लो होता है। उसके बाद स्पीड कंट्रोल सिंपल होता है, इजीली हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रेकिंग भी हम लोग इसका इजीली कर सकते हैं, इसे रन करने के लिए इलेक्ट्रिफाइड, अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में इलेक्ट्रिफाइड रूट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसमें डीजल इंजन में हमें, डीजल इंजन ड्राइव में हमें इलेक्ट्रिफाइड रूट का जरूरत नहीं है। इफिशियंसी हायर देन स्टीम लोकोमोटिव, इसका जो इफिशियंसी है हायर होता है किसके कंपैरिजन में, स्टीम लोकोमोटिव के कंपैरिजन में इसका इफिशियंसी ज्यादा होता है। वही अगर हम लोग डिसएडवांटेज का बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसका मेन जो डिसएडवांटेज है, इसका पहला डिसएडवांटेज है, इसे हम लोग ओवरलोड नहीं रन कर सकते, सो ये ओवरलोड लेने के लिए कैपेबल नहीं होता। अच्छा, दूसरा, चूंकि यहाँ पे जो फ्यूल जो हम लोग यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, तो डीजल का कॉस्ट आप लोग अभी देख रहे हैं कि कितना है, लगभग 90 to 100 रुपीज पर लीटर है, तो इसका रनिंग जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका जो लाइफ जो है, डीजल इंजन का जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली लो है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। और उसके बाद लार्ज कैपेसिटी ऑफ ट्रेन के लिए सुटेबल नहीं, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया कि ये ओवरलोडिंग के लिए सुटेबल नहीं है, तो ये लार्ज कैपेसिटी ऑफ ट्रेन के लिए भी सुटेबल नहीं। इसका जो यूज है, इसका यूज बेसिकली सेंटिंग वर्क के लिए ही किया जाता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, सेंटिंग वर्क के लिए बेसिकली किया जाता है। सेंटिंग वर्क मतलब आप लोग देखे होंगे कि स्टेशन पे कोई बहुत सारे मालगाड़ी लगे हुए हैं, मालगाड़ी लगा रहता है, ट्रेन का डब्बा कनेक्टेड होते हैं और दूसरा ट्रेन एक आता है उसे खींच करके साइड में करने का काम करता है, या फिर हिली एरिया में जब मालगाड़ी जब आता है तो हिली एरिया में अगर लोड नहीं ले पाते हैं तो उस समय इसे सेंटिंग किया जाता है, और ये फिर उसका मालगाड़ी का इंजन और ये जो डीजल इंजन होता है उन दोनों को कपल करके फिर उसे ये किया जाता है। तो इस तरह से इसका यूज जो है सेंटिंग वर्क के लिए ही यूज किया जाता है, इसे लॉन्ग जर्नी के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। थैंक यू बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखें, मैं समझाने का दोबारा कोशिश जरूर करूंगा। अब इस तरह से मैं, आज हमारा लेक्चर 3 था, इसी तरह से मैं कंटिन्यू आप लोगों को पूरा होल सिलेबस करवाऊंगा, तो सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, और अपने अगर आपके दोस्त हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उन्हें भी शेयर करना कि उन्हें भी ये लाभ मिल सके, वो भी देख सके वीडियो को। थैंक यू।